सर हमने इसमें ये GPS सिस्टम लगाया है कि हम इसको ट्रैक भी कर सके और इसको ऊपर जैसे ऊपर उड़ा तो हम उसको वापस कैसे वो आए उसके लिए, जैसे ये ऊपर उड़ गया तो ये इसमें हम लोग ऑटोनोमस मोड लगा देते हैं तो जिसके चलते कि ये ऊपर 1 किलोमीटर का सेंसर सर्विलेंस करके वापस उसी जगह पे वापस लैंड कर जाता है। जब कुछ नया होता है साइंस के क्षेत्र में तो हम ये सोचते हैं कि वो खड़गपुर में हुआ होगा, IIT में, कानपुर में हुआ होगा या किसी बड़े संस्थानों में हुआ होगा, लेकिन हमारे गोरखपुर के कुछ स्टूडेंट हैं जो अच्छा कर रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं। और ड्रोन के क्षेत्र में हम तो आत्मनिर्भर हैं, लेकिन ये कास्ट कम हो और ये आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं। ये देखिए इन्होंने शानदार ड्रोन बनाया है, ये शानदार ढंग से काम करता है और KIPM के ये स्टूडेंट हैं और प्रतिभा गजब की है भैया, इन्होंने ड्रोने बना दिया है ना, तो इनसे बातचीत करेंगे कि इनका ये प्यारा सा ड्रोन कैसे काम करता है, कितना समय लगा। और जो सबसे बड़ी बात होती है ना, सोच। वही सेब का पेड़ होता है, बार बार सेब नीचे गिरता है, लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन न्यूटन वहाँ बैठता है, सोचता है क्या गजब का सोचता है, फिर ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल की खोज कर देता है ना, वो सोचता है कि सेब गिर के नीचे ही क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। तो सोच सबसे बड़ा मायने रखता है, इन स्टूडेंटों ने सोचा है, गजब का सोचा है और गोरखपुर महोत्सव में एक स्टॉल इनको मिला है और ये अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। पहले तो आप सब लोगों का स्वागत जी, धन्यवाद। क्या नाम पड़ेगा? सत्यम गुप्ता। आपका? मोहम्मद मुगीस। आपका? श्रेयस गुप्ता। तो ये जो ड्रोन, पहले अपने ड्रोन का नाम बताइए। ये क्वाडकॉप्टर ड्रोन है। तो ये कब विचार आया कि आपको ड्रोन बनाना चाहिए, ये सोच कहाँ से आई? सिक्योरिटी पर्पस के लिए चीज़ों का इस्तेमाल होता है तो सोचा इसी को बनाया जाए, क्योंकि हमें अपने प्रोजेक्ट कुछ बनाना ही था यहाँ पे आने के लिए। तो हमारे टीचर से हमने कांटेक्ट किया, हमारे सीनियर से हमने बात किया तो उन लोगों ने आइडिया दिया, फिर हमारे धीरे धीरे आइडिया आया कि हाँ ड्रोन ही भी बना सकते हैं अपने प्रोजेक्ट वर्क के लिए। आपका परिचय? सत्यम गुप्ता। सत्यम जी, जब 3-4 लोग बैठते हैं डिस्कस करते हैं तो आइडियाज आते हैं, इस ड्रोन में आपकी भूमिका क्या है, आपने इसमें क्या बनाया है? सर हमने इसमें ये GPS सिस्टम लगाया है कि हम इसको ट्रैक भी कर सके और इसको ऊपर जैसे ऊपर उड़ा तो हम उसको वापस कैसे वो आए उसके लिए, जैसे ये ऊपर उड़ गया तो ये इसमें हम लोग ऑटोनोमस मोड लगा देते हैं तो जिसके चलते कि ये ऊपर 1 किलोमीटर का सेंसर सर्विलेंस करके वापस उसी जगह पे वापस लैंड कर जाता है। आपका परिचय? सर श्रेया, मैं श्रेयस गुप्ता। ये जो ड्रोन दिख रहा है, इस ड्रोन में आपकी क्या सोच है? सर सोच ये है कि जैसे इसको कैसे विजिबल किया जाए, कैमरा कैसे पुट किया जाए, बैटरी किधर लगाई जाए, ये सब चीज़ को हम लोग ने अरेंज किया और इससे कंट्रोल हो सकता है। तो अब भाई साहब से ये जानेंगे, जरा इस ड्रोन के बारे में बताइए, ये काम कैसे करता है, लागत कितनी लगी और आपके KIPM से आपको कितना सपोर्ट मिला, ये जरा इसके बारे में आप बताइए जी। जो भी हमने किया है देखिए, जो भी हमने किया है, हमने ड्रोन बनाया है, इसमें सपोर्ट तो पूरा हमारे स्कूल का, हमारे टीचर्स का रहा है, उनके सपोर्ट के बिना ये बिल्कुल भी नहीं हो पाता। इसमें पूरा का पूरा सब सहयोग हमारे टीचर्स का रहा है, जिसमें सत्यम सर इनोवेशन सेल के हेड हैं, उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया, हर चीज़ों की अवेलेबल उन्होंने ही करवाया हमें, ठीक। तो इन ये हमारा बेसिक सिंपल ड्रोन है, जैसे वर्क करता है, इसमें कैम इसकी है, ये इसकी बैटरी हमने इंस्टॉल किया, ये बैटरी करीब अप्रॉक्स हमारी 45 मिनट्स तक चल सकती है, इसको हम उड़ाएंगे तो 45 मिनट तक ये वर्क कर सकता है। इसकी दूरी अगर हाइट में देखें तो 500 मीटर तक जाती है और अगर रेडियस में देखें सर्किल में तो ये 1 किलोमीटर के रेडियस में ये इसको हम वर्क करा सकते हैं, उड़ाना है या भी जो भी सर्विलेंस करना है 1 किलोमीटर के रेडियस में इसको हम कर सकते हैं। और अगर ये ऊपर बंद हो जाता है किसी भी तकनीकी खराबी के कारण या किसी भी वजह से, तो ऐसा नहीं है कि ये ऊपर से सीधा नीचे गिर जाएगा, इसमें हमने ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया है ये धीरे धीरे अपने आप नीचे आएगा, ऐसा किसी को चोट लगने का खतरा नहीं है, इसके टूटने का खतरा नहीं है। इसकी वर्किंग जैसे, इसमें बैटरी है, इसमें फ्लाइट कंट्रोल मॉड्यूल है, ये हमारे पास इसका रिमोट कंट्रोल है, यहाँ पे इसका ये जो है रिसीवर है ये कैमरे के लिए, हमने यहाँ पे जो कैमरा इंस्टॉल किया है इस कैमरे का रिसीवर ये है, कैमरा जो भी चीज़ें देखता है उसका रिसीव यहाँ पे होता है और इस OTG के ज़रिए ये अभी इसमें हमने वो इंस्टॉल किया है कि इसके जो फ्लाइट कंट्रोल मोड है
फ्लाइट कंट्रोल पैनल है उसमें एक वेदर सेंसर लगा हुआ है, जिसके वजह से ये अगर बारिश वगैरह ज़्यादा होती है तो ये वर्क नहीं करता, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है एयर में तो। अब चूँकि अभी ठंड का मौसम है, ओस गिरती है, तो हवा में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, नमी ज़्यादा है, जिसके वजह से इसको मेनली बेसिक हमने सिक्योरिटी पर्पज से बनाया था कि हाँ ये सिक्योरिटी के लिए काम आ सकता है। प्लस अगर हम इसको चाहें तो इंडस्ट्रीज़ वगैरह में बहुत सी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे इंसान खुद नहीं जा सकता है, तो उन जगहों पे हम इसको देख के वहाँ की देख रेख कर सकते हैं, वहाँ के देख सकते हैं वहाँ पे सब कुछ सही है, चीज़ें वर्क कर रही हैं या नहीं। क्या नाम है आपके ड्रोन का? क्वाड कॉप्टर ड्रोन। तो आप देखिए ये KIPM के लड़के बहुत शानदार काम कर रहे हैं। ड्रोन का समय आने वाला है, सब कुछ ड्रोन से आप देख रहे होंगे, कहीं कुछ जांच करना है ड्रोन से, आप ये पूरे पंडाल को देख सकते हैं, कैमरे की रिकॉर्डिंग या कुछ भी ड्रोन से हम निगरानी रख सकते हैं। और इन युवाओं ने गजब का सोचा, बैटरी 45 मिनट तक काम करती है, 500 मीटर तक ये ऊपर तक जाती है, और इनका कहना अगर बैटरी ख़त्म हो गई अचानक नीचे नहीं गिरेगी, बहुत अद्भुत है। और हमारे देश का जो साइंस के फील्ड के स्टूडेंट हैं गजब का सोच रहे हैं, और हमारे यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है, बस जो इस टाइप की कंपनियां हैं जो ड्रोन बनाती हैं या जो हथियार बनाती हैं, ऐसे स्टूडेंटों का मनोबल उत्साह बढ़ाएं और इनसे जाने कि इनकी सोच ये और भी गजब का सोच सकते हैं अगर इनको थोड़ा सा लाभ दिया जाए। तो ऐसी चीज़ें हम वैज्ञानिक सेल जो विज्ञान के स्टूडेंट हैं उनके सेल में और जानने की कोशिश करेंगे कि और क्या है खास। ये है खास, ये है स्टूडेंट KIPM के और कुछ अच्छा सोच रहे हैं, आइए कुछ और दिखाते हैं।